अस्सलाम वालेकुम, करीमे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे कटलेस। तो ये हमने आधा किलो कीमा ले लिए बोनलेस। तो ये कीमे को हमने साफ करके धो के ले लिए, और उसके लिए हमने क्या करें, आधा कप चने की दाल ले लिए। चने की दाल को हमने एक घंटा पहले भिगा के रख दिए थे। तो ये आधा कप दाल है, तो ये फूल के इतनी होगी। तभी सब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुकर लेंगे। कुकर में ये जो हमने हमारे कीमा जो धो के रखे थे, तो ये कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये दाल भी हमने जो भिगा के रखे थे, तो इसका पानी निकाल के ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। नमक आपके स्वाद अनुसार। तो इसमें हम नमक डाल देंगे आधा चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर और ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमारा मीट मसाला, ये मीट मसाला हमने लिया। आपके पास गरम मसाला है तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मीट मसाला भी डाल सकते हैं। तो हमने ये मीट मसाला लिए, मीट 2 चम्मच। तो इसको अभी सबको हम क्या करेंगे, आधा ग्लास पानी डाल के, आधा ग्लास पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। एक सीटी लेके इसको 10 मिनट तक कम करके रख देंगे। ये थोड़ा कोथमीर और ये पुदीना भी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो इससे अच्छा ये अभी पूरा इसके अंदर पक जाएगा ना, तो अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और फुल गैस के ऊपर हम एक सीटी लेंगे और फिर गैस को कम करके फिर हम 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे। ये हमारा गल गया कीमा और दाल। ये इसके अंदर अगर थोड़ा पानी रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सुखा लेंगे, निकालेंगे नहीं अलग से। इसको थोड़ा गैस चालू करके कुकर के अंदर ही थोड़ा सुखा लेंगे। तो ये हमने कुकर के अंदर ही थोड़ा पानी रह गया था तो सुखा लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल के प्लेट में थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर मिक्सर में इसको पीस के ले लेंगे एकदम बारीक। ये सब निकाल के फैला के ठंडा कर देंगे इसको। अभी हमने प्लेट में ठंडे के लिए निकाल दिए। तो ये हम चख लेंगे इसके अंदर हमारा नमक मिर्ची अगर कम होगा तो ये इसके अंदर हम थोड़ा और इसके अंदर ही हम मिला देंगे, और थोड़ा कोथमीर पुदीना काट के मिला देंगे इसके अंदर और फिर पीस लेंगे इसको मिक्सर के अंदर। ये हमने पीस के ले लिए, ये मिक्सर के अंदर ये ऐसा पीस के ले लिए बारीक। अगर आपको ऐसा लगा कि आपका बहुत सूखा हो गया तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार ले, अगर गीला लगा तो कोई बात नहीं, हमको रवे के अंदर डालने का है। तो इसके लिए हमारे क्या लगेंगे, 2 अंडे और थोड़ा हमने रवा ले लिए बारीक रवा। अगर आपके पास रवा नहीं है तो आपके पास अगर बटर होंगे या टोस्ट होंगे तो उसको भी पीस के ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडे को निकाल लेंगे। 2 अंडे लेंगे, दोनों को फोड़ के ले लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा नमक मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो इसमें नमक बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी 1/4 चम्मच मिर्ची डालेंगे। इसको हम अच्छा मिक्स करके ले लेंगे। अंडे को हमने फेंट लिए अच्छे से। अभी इसे क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा लेके जैसे आपको शेप बनाना हो वैसे आप शेप बना सकते। तो इसको गोल बनाना हो तो गोल बना सकते या ओवल शेप का भी बना सकते, आपके ऊपर है। तो ये ऐसा हमने थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे,
पतला नहीं रखेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, ये रवे के अंदर हम ऐसा रवा लगा देंगे इसको, और रवा लगा के थोड़ा ऐसा और हाथ से ऐसा प्रेस कर लेंगे। ये ऐसा इसी तरीके से हम सब पूरे बना बना के रखेंगे। तो ये फिर हमने ले लिए एक, इसको हमने ऐसे गोल करके इसको शेप दे डाले। आपको गोल चाहिए तो गोल भी बना सकते हैं, और अगर हमारा ये पतला हो गया तो ये पतला होने के बाद भी क्या करेंगे, हम ऐसा रवा लगाए ना तो हमारा सही हो जाएगा, तो इससे हमारे को बनाने आएंगे अच्छे से। तो ये ऐसे हो गया, तब इस तरीके से हम सब पूरे बना के ले लेंगे, जितने जितने आपको चाहिए उतने बना के ले लेंगे। अभी हमने ये थोड़े से ऐसे तैयार कर लिए, अभी क्या करेंगे, हम तवे के ऊपर तेल डाल देंगे, तवे के ऊपर तलेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। ये अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा तेल डाल दिए, अभी तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना उसके बाद डालेंगे। और ये अंडे को डालने के पहले हम और एक टाइम अच्छे से ऐसा फेंट लेंगे इसको। ये अंडे को हमने अच्छा फेंट के लेंगे ना, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे कटलेट्स अच्छे फूले फूले से बनेंगे, अच्छे दिखेंगे। तेल अच्छा गर्म होने के बाद ही हम डालेंगे। तो अभी ये हमने जो रवा लगा के रखे, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, अंडे में ऐसा डिप करके और फिर डालेंगे ये ऐसा। वो तो एकदम जोश भी नहीं करेंगे तेल को, और एकदम ठंडा भी नहीं रखेंगे। डालते जाएंगे हम, जितने हमारे आएंगे उतने, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको, इसको हम ऐसा तवे के ऊपर ही करेंगे। और इसको हम डालने के बाद लगेज हम उसको पलटाएंगे नहीं, थोड़ा ऐसा रहने देंगे उसको थोड़ी देर, 2-3 सेकेंड, फिर उसके बाद हम पलटाएंगे। ये अभी हमारे एक तरफ से हो गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐसा पलटा देंगे, तो आपको जैसा लाल ऐसे ब्राउन कलर का करेंगे, ऐसे आस्ते आस्ते इसको पलटा देंगे। ये देखो अभी कैसे हो गए हमारे, एकदम ऐसे फूल गए। ये ऐसे कलर के होने तक हम इसको तल लेंगे। ये हमारे अच्छे ब्राउन कलर के हो गए, ये ऐसे फूले फूले। जब खाना खाने का रहेगा, जब भी खाने के टाइम पे गरम गरम सर्व करें। ये हमारे हो गए, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसा साइड में कर देंगे, तो जो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, तो वो निकल जाएगा साइड में। और फिर ये आस्ते आस्ते ये ऐसा हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अब ये आपको बताने के लिए, अभी हमने ये इतने थोड़े से तले, अभी बाकी के हम क्या करेंगे, ये रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर आपको बताएंगे। अभी हमने सब पूरे रेडी कर लिए, तब ये इसको हम क्या कर सकते, ये ऐसा स्टोर करके भी रख सकते डब्बे में 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1-2 दिन के लिए ऐसा स्टोर करके ऐसा बना के रख सकते, ऐसा पैक बंद करके एयर टाइट डब्बे के अंदर, जो डब्बा हमारा एकदम पूरा सूखा लेके उसके अंदर एयर टाइट डब्बे में हम बंद करके भी रख सकते स्टोर करके। अभी जैसा हमने आपको बताया वैसा अभी हम पूरे तल के ले लेंगे वैसी तरीके से। ये हो गए हमारे कटलेट्स बन के तैयार। तो ये हमने अंडा लगा के तले, और ये जो है हमने थोड़े से बिना अंडा लगा के तले, तो आप ऐसे भी तल सकते हो, लेकिन इसके अंदर तेल बहुत लग जाता है और बहुत तेल चूस लेता है ये, तो ये इसके अंदर तेल नहीं लगता ज़्यादा। तो ये आपको जैसे चाहिए, अंडा लगा के खाना हो या बिना अंडे के, तो आप दोनों तरीके से तल सकते। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते अगले रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़।